125वीं जयंती पर आयोजित भिखारी की विरासत कार्यक्रम में हम अपने मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं और आग्रह करते हैं डॉक्टर बी एन तिवारी जी से, उदय शंकर ओझा जी से सीधा मंच पर ही लेकर माननीय उसी मेहता जी को मंच पर लेकर आए। हम आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बी एन तिवारी जी से आग्रह करेंगे कि महामहिम राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद और हमारे विशिष्ट अतिथि विधानसभा अध्यक्ष श्री सीपी सिंह जी से कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए आग्रह करें। उदय शंकर ओझा जी और जोरदार तालियों से हम आगाज करते हैं भिखारी ठाकुर की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम भिखारी की विरासत का। धन्यवाद। और इसके साथ ही भिखारी की विरासत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। और कार्यक्रम को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हुए और इंतजार की घड़ियां खत्म करते हुए हम अपने अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बी एन तिवारी भाई जी भोजपुरिया से आग्रह करेंगे कि वह स्वागत भाषण प्रस्तुत करें और हमारे जो पदाधिकारीगण हैं वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। इस मरवाड़ी कांग्रेस के प्रचार डॉक्टर यूसी मेहता जी और इसके अलावे इस प्रेक्षा गृह में उपस्थित समस्त विद्वत जन, समस्त समाज सेवी, समस्त रंगकर्मी, संस्कृत कर्मी, साहित्यकार, विद्वान, कवि, आयोजन समिति की ओर से सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आप आकर के इस कार्यक्रम का शोभा आपने बढ़ाया। मैं संक्षिप्त में भिखारी ठाकुर जी के बारे में कुछ इस कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि भिखारी ठाकुर की विरासत जिस कार्यक्रम को आप देखने आए, वो भिखारी ठाकुर कौन थे? भिखारी ठाकुर आज से 125 साल पहले एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिए, नाई परिवार में जन्म लिए, लेकिन उनके अंदर भगवान ने जो ऊर्जा दी, उनके अंदर जो मां सरस्वती का जो वास हुआ, आज वह एक राम गति लिखने वाला व्यक्ति भोजपुरी समाज का अनगढ़ हिला, भोजपुरी साहित्य और संस्कृत का शेक्सपियर के रूप में जाना गया पूरे विश्व में। आज आप देखे होंगे, पढ़े भी होंगे कि उस जमाने में जो हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, उस जमाने में हमारे कवि लोग, साहित्यकार लोग अपनी रचनाओं से देश की आजाद करने के लिए आह्वान करते थे, घोषणा करते थे। भिखारी ठाकुर ने क्या किया? भिखारी ठाकुर ने जो देश की आजादी की लड़ाई